हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 4, जिसका नाम है ए रियल हीरो, इंग्लिश क्लास 8। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। दिया है इज विनिंग एवरीथिंग, क्या जीतना ही सब कुछ होता है, और या इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू प्ले द गेम इन फेयर मैनर, या गेम को अच्छे तरह से खेला जाए ये इम्पोर्टेंट है। रीड दिस स्टोरी ऑफ विश्वरूप नायर, अ स्पोर्ट्स मैन हु लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट मैच बट ओन मेनी हर्ट्स ड्यू टू हिज ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ जस्टिस। यानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विश्वरूप नायर के बारे में, जो एक खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स मैन होते हैं, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच को हार जाते हैं। हारने के बावजूद भी वो ढेर सारे फैंस या ढेर सारे लोगों का दिल जीत लेते हैं। दिया है होल्ड डिबेट और डिस्कशंस इन क्लास ऑन दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक पर अपने क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। विश्वरूप नायर, इनको बेसिकली विश्व कह के लोग बुलाते थे, वॉज द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। जो विश्वरूप नायर थे वो अभी नए नए कैप्टन्स बने थे इंडियन क्रिकेट टीम के। ही वॉज आस्क्ड टू टेक ओवर फ्रॉम हिज फ्रेंड मनोहर लाल द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम। यानी जो सबसे बेस्ट बैट्समैन थे ना, वो मनोहर लाल थे, और ये क्या करते हैं अपने टीम में मनोहर लाल को ले लेते हैं बैटिंग करने के लिए। आफ्टर द टीम हैड सफर्ड अ स्ट्रिंग ऑफ ह्यूमिलिएटिंग लॉसेस एट होम एंड अब्रॉड। क्या होता है कि जो मनोहर लाल होते हैं, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन होते हैं, लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है कि कुछ मैच ये लोग लगातार हार जाते हैं। एज द न्यू कैप्टन नायर एंड हैड बिगेन वेल, यानी जैसे ही नए कैप्टन बनते हैं विश्वरूप नायर, तो जब ये मैच को खेलते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं, तो वो जितने भी क्रिकेट को खेलते हैं, मैच को खेलते हैं, ये जीतते जाते हैं। विक्टोरिया अगेंस्ट श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे इन अ फ्रेंडली मैचेस हैड बूस्टेड द टीम्स मोरल। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद जैसे ही ये विश्वरूप नायर कैप्टन्स होते हैं और ये मैच को खेलना स्टार्ट करते हैं, तो ये लगातार मैच को जीतते जाते हैं, जिससे कि जो टीम की मोरल है, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो उनका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ जाता है। नाउ द इंडियंस वर टू प्ले होस्ट टू द माइटी ऑस्ट्रेलियंस इन एन एक्साइटिंग 3-मैच टेस्ट सीरीज। यानी अब जो इंडिया टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेलने वाली थी, विच वुड बी अ रियल टेस्ट ऑफ विश्वास कैप्टेंसी। यानी ये जो तीनों मैच होने वाले थे टेस्ट सीरीज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और एक तरह से टेस्ट भी था, क्योंकि जो विश्वरूप नायर थे वो नए कैप्टन बने थे। अगर ये इनके कैप्टेंसी में हार जाते हैं तो इनकी काफ़ी हम बोल सकते हैं कि बेइज्जती होती, या लोग इनके बारे में बुरा भला कहते हैं। बट ही वॉज हार्डली प्रिपेयर फॉर वॉट वॉज टू कम। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग ली, इसके बाद वो क्या करते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। द सीरीज बिटवीन इंडिया एंड विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया बिगिन वेल। अब जो सीरीज हो रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है, लेकिन ये जो मैच होता है, जो क्रिकेट होता है टेस्ट सीरीज, ये इंडिया में होता है। विद द विक्ट्री ऑफ इंडिया थिंग्स टुक एन एक्साइटिंग टर्न व्हेन द विजिटर्स वन द सेकेंड टेस्ट। पहला जो मैच होता है 3 मैच में से, वो इंडिया जीत जाती है, और जो दूसरा मैच होता है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। इसके चलते क्या होता है कि दोनों टीम के पास सिर्फ एक चांस होते हैं इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए। तो ये जो मैच होता है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफ़ी एक्साइटिंग हो जाता है। एंड बोथ द टीम्स बिकम इवेनली पोज्ड टू द विन द सीरीज। अब दोनों जो टीम थी ना, वो पूरी तरह से तैयार थी और वो सिर्फ जीतना चाहते थे इस सीरीज को। द मच अवेटेड फाइनल टेस्ट टुक प्लेस एट द पिक्चरस्की ईडन गार्डन इन द कोलकाता। यानी ये जो मैच खेला जा रहा था, फाइनल मैच टेस्ट सीरीज, ये ईडन गार्डन कोलकाता में एक स्टेडियम है, वहाँ पे खेला जा रहा था। वेयर इंडिया सेट ऑस्ट्रेलिया आर सम वॉट कम्पिटेटिव इफ नॉट डिफिकल्ट टारगेट ऑफ 288 रन टू विन। क्या होता है कि जो लास्ट मैच होता है टेस्ट सीरीज का, वो इंडिया खेलती है, पहली पारी में वो 288 रन ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देती है बनाने के लिए। द ऑसिस मेड अ रिजोल्यूट स्टार्ट एंड एंडेड द पेनल्टीमेट डे ऑफ द मैच विथ 98 रन फॉर द लॉस ऑफ ओनली वन ऑफ इट्स ओपनर्स।
यानी ऑसिस क्या होता है, एक तरह का बैट्समैन होता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो 98 रन मारता है क्योंकि वो ओपनर्स होता है। दे नीडेड 191 रन मोर ऑन द फिफ्थ एंड फाइनल डे टू विन टेस्ट एंड द सीरीज। अब क्या था कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 191 रन चाहिए थे टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए। वन मॉर्निंग ऑफ द फिफ्थ डे इट वॉज क्लियर एज द ब्राइट स्कीज ओवर ईडन गार्डन्स दैट ऑस्ट्रेलिया वुड विन द मैच इफ दे बैटेड थ्रू द डे। यानी सब लोग बातें कर रहे थे अगर जो ऑस्ट्रेलिया है पांचवें दिन अच्छे से बैटिंग कर लेती है तो वो टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। बट लेकिन द इंडियाज फेम्ड स्पिनर हैड अदर आइडियाज। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर बॉलर थे उनके पास कुछ दूसरे ही आइडिया थी। क्या आइडिया थी? द पिच अ बीट वर्न आउट ऑफ द फिफ्थ डे फेवर देम। मीन्स कि जो स्पिनर थे ना उनको बॉलिंग करने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, मीन्स कि वो बैट्समैन को काफ़ी चकमा दे पा रहे थे इंडिया की तरफ वाले। द लेफ्ट हैंडेड किशन बॉल्ड एक्यूरेटली एंड डिड नॉट अलाउ द बैट्समैन टू स्कोर फ्रीली। यानी ये जो हम बोल सकते हैं एक्चुअली में लेफ्ट हैंडेड जो किशन था बॉलिंग कर रहा था, ठीक है, वो बैट्समैन को ज़्यादा फ्रीली मारने की हम बोल सकते हैं अलाउ नहीं कर रहा था और वो उसके बॉल को अच्छे से नहीं मार पा रहे थे। द ऑफ स्पिनर अनंत एंड द लेग स्पिनर शेखर रैटल द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। यानी दो और स्पिनर थे अनंत और, ठीक है, शेखर, जो दोनों बहुत ही परेशान कर दिए थे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, वो रन नहीं मार पा रहे थे। सडनली अचानक क्या होता है, द जैम पैक्ड स्टेडियम स्टार्टेड स्निफिंग विक्ट्री फॉर द होम टीम एज ऑस्ट्रेलिया वर स्ट्रगलिंग विथ सेवन ऑफ देयर बैट्समैन बैक इन टू द पवेलियन। मीन्स कि अब क्या हो रहा था कि जितने भी इंडियंस के टीम इंडिया के लोग थे, दर्शक थे, वो चिल्लाने लग रहे थे। वो चिल्ला रहे थे कि अब जो इंडिया है वो आसानी से मैच को जीत जाएगी क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया के 7 बैट्समैन पवेलियन जा चुके थे यानी आउट हो चुके थे। दे स्टिल नीडेड 90 रन टू विन। अभी भी उनको 90 रन चाहिए थे जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलियाज लास्ट एंड वेरी स्लिम होप वॉज देयर ग्रीटी विकेट कीपर बैट्समैन ब्लैक रॉबिन्सन। यानी एक ही होप था ऑस्ट्रेलिया के पास इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए, वो था उनका एक विकेट कीपर जिनका नाम था ब्लैक रॉबिन्सन, हु स्टूड लाइक अ रॉक अमंग द रूंस। मीन्स कि वो एक पहाड़ के जैसे खड़े थे, मीन्स कि वो आउट नहीं हो रहे थे जब क्रीज पे वो खड़े थे। बट ही वॉज टू फास्ट रनिंग आउट एज अ पार्टनर्स एज विकेट्स केप्ट फॉलिंग रेगुलरली एट द अदर एंड। यानी जो ब्लैक रॉबिन्सन थे वो काफ़ी अच्छे बैटिंग कर रहे थे, वो एक तरफ से खेल रहे थे लेकिन जो दूसरी तरफ से जो बैट्समैन थे वो आउट होते जा रहे थे। एंड देन, और इसके बाद समथिंग हैपेंड दैट चेंज द कोर्स ऑफ द इंडियंस कैप्टन्स कैरियर्स। इसके बाद से क्या होता है, कुछ ऐसा अजीब चीज होता है जो इंडिया के जो कैप्टन्स की कैरियर है वो चेंज कर देता है। अब क्या होता है देखते हैं। रॉबिन्सन बैटिंग रिजोल्यूटली ऑन 40, मीन्स कि जो रॉबिन्सन था वो 40 रन बनाकर अभी भी खेल रहा था। अपीयर टू निक अ बॉल बॉल्ड बाई निखिल इंडियाज यंग एंड प्रोमिसिंग फास्ट बॉलर। अब कौन बॉलिंग कर रहा था? निखिल बॉलिंग कर रहा था क्योंकि इंडिया के फास्ट बॉलर थे। द इंडियन विकेट कीपर कॉट इट एंड जम्प फॉर जॉय। अब क्या होता है, निक अ बॉल, निक बॉल का मतलब क्या होता है, इसकी मैं वर्ड मीनिंग आपको दिखा देता हूँ। निक बॉल के मतलब होता है टच अ बॉल लाइटली विद द ईच ऑफ द बैट, मीन्स कि अगर थोड़ा सा जब टच हो जाता है कोई गेंद बैट से तो उसको बोलते हैं निक अ बॉल, ठीक है। तो क्या होता है, निक बॉल हो जाता है, मीन्स कि जो बॉल होता है लगता है कि थोड़ा सा टच हो गया है बैट से, तभी क्या होता है जो इंडिया का विकेट कीपर होता है वो चिल्लाने लगता है कि आउट दे, ठीक है। ऐसा नहीं चिल्लाते सब आउट दे तो चिल्लाने लगते हैं सब, तो जो अंपायर होता है वो अपने हैंड को उंगली को क्या करता है, खड़ा कर देता है, मीन्स कि वो आउट हो गया। तो इसी तरह से क्या होता है, उसके बैट्स में थोड़ा सा टच होता है या नहीं होता है वो सारे जो विकेट कीपर रहता है इंडिया का वो चिल्लाने लगता है। अब देखिए, कट इट एंड जम्प फॉर जोअर्स अलॉन्ग विथ मनोहर स्टैंडिंग एट द फर्स्ट स्लिप्स। जो मनोहर लाल थे वो स्लिप में खड़े थे, ठीक है, वो भी चिल्लाने लगते हैं आउट के लिए। अब फील्डिंग पोजिशन नेक्स्ट टू द विकेट कीपर्स द अंपायर रेज हिज फिंगर्स एंड द स्टेडियम इरप्ट इन जॉय एज एवरीवन थॉट दैट इट वॉज इंडियाज गेम नाउ। मीन्स की थोड़ा सा बैट में टच हुआ और जो रॉबिन्सन का जो बॉल था वो विकेट कीपर के हाथ में चला जाता है और सब लोग सोचने लगते हैं कि अब तो इंडिया की जीत हो गई, ठीक है। और ये जो रॉबिन्सन है वो 40 रन बना के खेल रहा था, वो अब पवेलियन जा रहा था। अब क्या होता है, रॉबिन्सन
Robson was more furious than disappointed as he walked back reluctantly towards the pavilion. अब क्या था, ये जो था ना खिलाड़ी, वे अब पवेलियन की तरफ जा रहा था. बट बिस्वा who had positioned himself at second slip, यानी जो बिस्वा था वो सेकेंड स्लिप में खड़ा था, ठीक है, पीछे. नेक्स्ट द मनोहर, मनोहर के बाद में. was certain that Robson had not nicked the ball, यानी जो बिस्वा था कैप्टन, वो सोच रहा था जो रॉबसन है उसके बैट में जो बॉल है वो टच नहीं हुई है. लेकिन सारे लोग क्या हो रहे हैं कि वो ऐसे चिल्ला रहे हैं कि आउट हो गया, और अंपायर भी यहाँ पर आउट दे देता है. लेकिन विश्वा जो है उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, विश्वास था अपने ऊपर कि जो बॉल है वो बैट से टच हुई ही नहीं है, ये गलत आउट दिया गया उसको. अब क्या होता है, हैड रॉबिन्सन बीन रॉन्गली गिवन आउट, विश्वा लुक्ड एट मनोहर एंड द विकेट कीपर, यानी विकेट कीपर और मनोहर को जो विश्वा कैप्टन होते हैं वो देखते हैं कि क्या ये सही में गलत आउट दिया गया है. मनोहर गेव हिम ए सिपिस लुक एट टर्न अवे, मीन्स कि जो मनोहर है वो क्या करता है कि थोड़ा सा लुक, मतलब देखता है उसकी तरफ, विश्वा की तरफ, और थोड़ा दूर चला जाता है. देर वर नो टीवी अंपायर इन दोज डेज, यानी उस समय जब ये मैच हो रहा था टीवी अंपायर था ही नहीं, तो कैसे जूम करके देखा जाए कि ये आउट है या नहीं है, उसको तो आउट दे दिया गया था. बट विश्वा श्योर ही वॉज राइट, लेकिन विश्वा जो था वो सोच रहा था कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने जगह पर सही हूँ, शायद ये बैट में टच ही नहीं हुई है बॉल, उसको झूठ में आउट दे दिया गया है. ही वॉकड अप टू द अंपायर एंड आस्क हिम टू रिकॉल रॉबसन. अब क्या होता है, जो विश्वा कैप्टन्स होते हैं वो अंपायर के पास दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं कि जो बैट्समैन को आउट दिया गया है उनको वापस बुलाया जाए. द इंडियन टीम वॉज अगेंस्ट एंड सो वर द इनक्रेडुलियस 75,000 स्पेक्टेटर्स, मीन्स के जितने भी लोग थे ना अगस्त, मीन्स कि वो गुस्से में हो रहे थे. रॉबसन वॉक बैक टू द क्रीज टू रिज्यूम हिज इनिंग्स. अब क्या होता है, जैसे ही विश्वा कहता है अंपायर से कि जो रॉबसन है वो आउट नहीं है, गलत आउट दे दिया गया है, उसको फिर से बुला लिया जाए, तो वो जो अंपायर होते हैं फिर से उसको बुला लेते हैं, और इसके बाद जो रॉबसन होता है फिर से अपने पारी को खेलना स्टार्ट कर देता है. अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया ही स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड स्नैच्ड फॉर हिज टीम अ विक्ट्री फ्रॉम द जॉ ऑफ डिफीट. अब क्या होता है कि जो रॉबसन होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण 100 रन से भी ज़्यादा बना लेता है, ठीक है, और ये हार के मुंह से जीत जाता है. मीन्स कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती है, जो टेस्ट सीरीज होता है, वो आसानी से जीत जाते हैं सब, ठीक है, क्योंकि जो रॉबसन है वो बहुत ही ढेर सारे रन बना देता है. एट द एंड ऑफ द मैच, और लास्ट में मैच में क्या होता है, विश्वा लेड अ क्रेस्ट फॉलन इंडिया टीम बैक टू द पवेलियन. यूजुअली बैट्समैन वॉक इन फ्रंट ऑफ द फील्डर्स व्हेन दे रिटर्न टू द पवेलियन, मीन्स कि विश्वा क्या हो कर रहा था कि जो इंडिया टीम थी ना उसके पीछे पवेलियन जा रहा था. यूजुअली बैट्समैन वॉक इन फ्रंट ऑफ द फील्डर्स, जो बैट्समैन होते हैं वो फील्डर्स के आगे चलते हैं, ठीक है, दे रिटर्न टू द पवेलियंस. बट ऑन दिस ओकेजन रॉबसन डिसाइडेड टू फॉलो द इंडियन कैप्टन एंड अपलाउड हिम ऑल द वे. लेकिन जो रॉबसन है ना वो क्या कर रहा था, काफ़ी रिस्पेक्ट दिखा रहा था किसके लिए, विश्वा के लिए, इंडियन कैप्टन के लिए. फॉलोइंग दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट विश्वा एक्शंस वॉज द टॉपिक ऑफ हीटेड डिबेट एंड डिस्कशंस. अब जैसे ही सारी चीज़ें होती हैं मैच में ना, तो एक तरह से क्या हो जाता है, एक इवेंट बन जाता है, काफ़ी गर्मा गर्म माहौल बन जाता है, सब लोग बातें करते हैं क्रिकेट के बारे में कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता. नॉट जस्ट इन क्रिकेट सर्कल्स बट एमॉन्ग स्पोर्ट्स फैन एंड कमेंटेटर्स, मीन्स जो कमेंटेटर्स थे और जो स्पोर्ट्स फैन थे वो भी बहुत तरह के बातें कर रहे थे. आर्टिकल्स अपीयर्ड इन द न्यूज पेपर्स, और क्या होता है अखबार में भी छप जाते हैं विश्वा के बारे में कि ये जो चीज़ें हुई इसकी ईमानदारी की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो जीत जाती है. दे एनालाइज हिज एक्शंस, सम क्वेश्चंस द पॉसिबल मोटिव्स बिहाइंड इट. मोस्ट ऑफ देम वर हर्स इन देयर डिसअप्रूवल एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टर्न ऑफ इवेंट. कुछ लोग बहुत ही खुश थे, कुछ लोग बहुत ही दुखी थे इस तरह के इवेंट से. अ वेल नोन कमेंटेटर रॉट दैट विश्वा शुड हैव रियलाइज that favorable and unfavorable decisions by umpire were part of the. अब कुछ कमेंटेटर कहते भी थे या कह रहे थे कि जो विश्वा है ना वो एक्चुअली में रियलाइज किया कि जो रॉबसन है वो आउट नहीं है, ठीक है, यही जो डिसीजन थी सबसे इंपॉर्टेंट थी इस मैच में. ही शुड हैव एक्सेप्टेड दैट लेडी लक हैड चूजन टू स्माइल ऑन द इंडियन टीम्स दैट डे. Even if the field showed that the umpire had erred, means कि वो कह रहे थे कि
जो ये जो कैप्टन थे विश्व, वो इतने श्योर थे कि वो अंपायर को जाकर कह दिए कि ये जो रॉबसन है वो आउट नहीं है, ठीक है, उनके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। शुड हैव हैड द प्रीरोगेटिव टू चैलेंज द अंपायर डिसीजंस, लेट अलोन चेंज इट। मीन्स कि इतना बड़ा चैलेंज था अंपायर के डिसीजंस को, वो अकेले उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अ फ्यू हार्स क्रिटिक्स अलेज्ड दैट द इंडियन स्कीपर्स हैड ट्राई टू शो हिमसेल्फ एज अ ग्रेटर दैन द गेम। कुछ लोग कह रहे थे जो इंडियन टीम के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही महान बनाने के लिए सारी चीज़ें की, मतलब इधर उधर की बातें कर रहे थे। इन शॉर्ट इट टुक वेरी लिटिल टाइम टू विश्व टू टर्न इन टू द विलेन। मीन्स कि काफ़ी कम टाइम लगा कि बहुत से लोग क्या करने लगे, नफरत करने लगे विश्व कैप्टन से। नॉट अनएक्सपेक्टेडली द कोलकाता टेस्ट मैच वॉज विश्वास लास्ट एज कैप्टन। जो विश्व विश्व का जो कोलकाता में जो मैच हो रहा था टेस्ट सीरीज, वो लास्ट मैच था विश्व कैप्टनसीज का। Amidst the fiery denunciations in the media and articles appear in the prominent newspaper that caught every day attention। मीन्स कि सारे के सारे क्या कर रहे थे, मीन्स कि इधर उधर के आर्टिकल्स छाप रहे थे, लेकिन ये जो आर्टिकल्स था, एक जो छपा न्यूज़ में, ये काफ़ी सब लोगों ने अटेंशन दिया, उस पर ध्यान दिया। इट वॉज रिटन बाई विश्वास टीममेट शेखर, यानी ये जो आर्टिकल था वो विश्वा के एक टीममेट थे जिनका नाम शेखर था, उन्होंने लिखा था। हु हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट विद विश्वा सिंस देयर कॉलेज डे, यानी ये जो थे विश्वा के साथ, ठीक है, जो कैप्टन थे वो एक्चुअली में उनके एक्चुअली में फ्रेंड थे और बहुत ही टाइम से उनके साथ मैच खेलते आ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज टाइम से ही क्यों ना हो। ब्रेकिंग हिज साइलेंस ओवर द इंसिडेंट ही वॉन्टेड द रीडर्स टू नो द विश्वरूप नायर दैट ही न्यू। मीन्स कि वो एक्चुअली में एक चीज़ें बताना चाहते थे सबको, ठीक है, वो सब पे अटेंशन खींचना चाहते थे इस इंसिडेंट पे कि जो बिस्वा है वो किस तरह के इंसान है। इन द आर्टिकल्स शेखर रिकॉल्ड एन इंटर कॉलेज फाइनल मेनी ईयर्स अगो। ये एक इंटर कॉलेज फाइनल मैच के बारे में बता रहे थे, इन विच बिस्वा वॉज बैटिंग ऑन 97, जहाँ पर जो बिस्वा था वो 97 रन बनाकर खेल रहा था। शेखर द लास्ट बैट्समैन सिन नेचुरली वॉन्टेड हिज फ्रेंड टू अचीव द कोटेड माइल स्टोन ऑफ 100। मीन्स जो शेखर था वो चाहता था जो विश्वा है वो 97 से कम वो अपना सेंचुरी पूरा कर ले। विश्वा हाउ एवर डिड नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन हिम, जो विश्वा था वो कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहा था कि मुझे स्ट्राइक दो ताकि मैं अपने सेंचुरी बना सकूँ। आई हैड फेस ओनली वन डिलीवरी इन दैट ओवर, मैं सिर्फ एक डिलीवरी मीन्स कि एक ही बॉल फेस किया एक ओवर में। इफ मैन आई मैनेज इट विश्वा वुड श्योरली गो फॉर अ सेंचुरी इन द नेक्स्ट ओवर, यानी वो सोच रहा था कौन, शेखर, की अगर मैं एक बॉल को रोक लेता हूँ तो विश्वा है वो नेक्स्ट स्ट्राइक पर जाएगा और वो अपना क्या कर लेगा, एक्चुअली में सेंचुरी पूरा कर लेगा। बट आई वॉज क्लीन बोल्ड, लेकिन मैं बोल्ड हो गया, फील्ड विथ शेम एंड डिसअपॉइंटमेंट, और मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगा और बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया, क्योंकि 3 ही रन चाहिए थे उसके विश्व के एक्चुअली सेंचुरी बनने के लिए। आई वॉक बैक टूवर्ड द पवेलियन विद द विश्व अनबीटन एट 97। अब मैं पवेलियन जा रहा था विश्व के साथ, और जो विश्व थे अभी 97 रन बनाए हुए थे। एंड आई मैनेज टू से सॉरी विश्व, और मैं किसी तरह हिचकिचाते हुए कहा सॉरी विश्व। माई लार्ज हार्टेड फ्रेंड जस्ट स्माइल एंड सेड शेखर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। इसके बाद जो विश्व है वो जवाब देता है, कोई बात नहीं शेखर, ये एक तरह का क्या है, पार्ट है किसी गेम का। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट हैव ड्रॉप कैच ऑफ योर बॉलिंग्स वाइल स्टैंडिंग एट स्लिप्स, क्या तुम जानते हो कि जब तुम बॉलिंग करते हो तो मैं स्लिप में कितने कैच ड्रॉप करता हूँ। एंड ही पुट हिज आर्म अराउंड माई शोल्जर्स रिजिवली, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअली में कि वो जो बिस्वा था वो मेरे कंधे पर हाथ रखता है, ठीक है, दस द काइंड ऑफ द मैन बिस्वा हैज ऑलवेज बीन, यानी जो बिस्वा था वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। फॉर हिम प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट एंड इवन लाइफ इन द फेयर मैनर हैज़ ऑलवेज बीन द प्रियोरिटी, चाहे वो मैच खेल रहे हो चाहे वो लाइफ में, हमेशा वो क्या करते हैं फेयर मैनर में, मीन्स कि वो हमेशा अच्छे तरीके से खेलते हैं ताकि कोई भी झगड़ा ना हो। शॉर्टली आफ्टर दिस लोकल टेलीविजन चैनल एयर्ड अ डिस्कशन इन विच वन ऑफ द पेनालिस्ट वॉज ए रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, ही रिकॉल्ड एन इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो इन हिज स्कूल। यानी अभी क्या होता है एक्चुअली में
कि इसके बाद से कोई प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उनको एक कहानी याद आ जाती है एक्चुअली में, कि उनके स्कूल में क्या हुआ था। आई रिमेंबर दैट डे डिस्टिंक्टली, आई ब्राइट सनी नवंबर मॉर्निंग जस्ट परफेक्ट फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे, मीन्स कि कुछ स्पोर्ट्स हो रहे थे स्कूल में। द फर्स्ट रेस वॉज द हर्डल्स रेस, यानी पहला रेस हो रहा था। आई कैन स्टिल रिकॉल यंग एंड कॉन्फिडेंट बॉय बर्स्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन एंड टेकिंग अ कम्फर्टेबल लीड, मीन्स कि सब लोग तैयार थे दौड़ने के लिए, एक लाइन थी, ठीक है। बट एज ही जम्प्ड ओवर द लास्ट हर्डल ही सडनली लुक बिहाइंड एंड स्टॉप्ड, यानी कुछ सुनता है वो अपने पीछे, और क्या होता है, जो भाग रहा होता है वो पीछे देखता है, ठीक है, और स्टॉप्ड हो जाता है, रुक जाता है। जस्ट अ फ्यू फिट फ्रॉम द फिनिश लाइन, यानी कुछ ही फिट था मीन्स कि फिनिश लाइन पहुंचने तक, तभी क्या होता है, वो रुक जाता है और देखता है पीछे कोई गिरा हुआ है। अ बॉय फ्रॉम अनदर हाउस हैड फॉलन ओवर अ हर्डल, मीन्स कि कोई लड़का था पीछे गिरा हुआ था, और यंग कंपेनियन वेंट ओवर हिम, मीन्स कि जो अब जीतने वाला था ना, वो क्या करता है, उस लड़के को उठाने लगता है। एंड बाय द टाइम ही हेल्प हिज फेलो रनर टू हिज फीट द रेस वॉज ओवर, मीन्स कि क्या होता है कि जो गिरा हुआ होता है, जो जीतने वाला होता है रेसर, वो क्या करता है, जो गिरे वाले रेसर है वो उसको उठाता है और उसके साथ धीरे धीरे चलना शुरू करता है। That day had been something that struck me as remarkable in such young boy. So after giving away the prize, I addressed the spectators and asked them if they had noticed the boy who had almost won the hurdles race. Means कि इसके बाद से जो जीतने वाला था ना, वो अब हार जाता है, क्योंकि उसको साथ में लेके जाता है, means कि ठीक है, तो उसको जिता देता है जो गिरा हुआ था पहले, वहाँ पर चोट लगी हुई थी उसको। तो इसके वजह से क्या होता है, वो काफ़ी लोग उसको सराहना करते हैं कि ये काफ़ी केयरिंग है, और लोगों को हमेशा हमें हेल्प करना चाहिए, किसी को छोड़ के नहीं भागना चाहिए, चाहे वो किस, चाहे हम लोग कोई भी गेम हो, हमें फेयरली खेलना चाहिए। आई रिक्वेस्टेड दैट बॉय एंड हिज पेरेंट टू कम फॉरवर्ड्स, इसके बाद से वो प्रिंसिपल कहते हैं कि मैंने उसके माता पिता, जो हेल्प किया उस बच्चा, ठीक है, उसके माता पिता को मैंने बुलाया स्टेज पर और हमने उसको सम्मान दिया, ठीक है। For me, he was a real hero, the man of the match, so to speak, as the boy and his parent walked up to the stage and crowd gathered them with. अब क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स आते हैं, स्टेज पर चढ़ते हैं, सारे लोग तालियां हो जाते हैं, वहाँ पर क्राउड गेदर हो जाते हैं। अब जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि जो हेल्प किया वो बच्चा, ठीक है, वही क्या है, एक रियल हीरो है मेरे लिए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज में, अ स्टैंडिंग ओवेशन दैट यंग किड वॉज नॉन अदर देन अ ग्रेट विश्वरूप नायर, द फ्यूचर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट। और वो कोई नहीं था, कौन थे एक्चुअली में, विश्वरूप इंडियन क्रिकेट कैप्टन थे, ठीक है, टीम एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन द कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। दैट डे आई न्यू फॉर श्योर दैट दिस यंग मैन वुड ऑलवेज प्ले द गेम ऑफ द लाइफ इन फेयर वे, नेवर फॉलिंग टू सेट राइट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद से मैं जान गया कि जो लड़का है कहीं भी अपने ज़िंदगी में जाएगा, गेम खेलेगा, अपने लाइफ में ये क्या होगा, हमेशा फेयरली खेलेगा, मीन्स कि किसी से झगड़ा नहीं करेगा, ये हमेशा ईमानदारी से खेल खेलेगा, ठीक है, मीन्स कि गेम खेलेगा। सो क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, Never falling to set the right example to the world. I feel the Viswarup Nair as the captain of the Indian cricket team, ठीक है, did the whole country and the game of the cricket proud by playing its honest way. Means कि जिस तरह से ईमानदारी से, ठीक है, जो विश्वरूप नायर खेलते हैं अपने कैप्टनसी में इंडिया क्रिकेट के टीम के तरफ से, ये बहुत ही सराहनीय है, ठीक है। अगर कोई आउट नहीं है तो उसको बेवजह आउट नहीं दिया जाना चाहिए, यही इनका सिद्धांत था। मीन्स कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी से खेलना चाहिए, मीन्स कि और चाहे लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, हमें ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।